अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम इनपुट और कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसा कि डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर को इनपुट देने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट वो होती है जो हम सोर्स से डायरेक्टली कंप्यूटर में देते हैं। स्पीच माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में डायरेक्ट इंटर होती है। डायरेक्ट इनपुट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, वो सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस कहलाती है, जिसमें स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन शामिल हैं। इनडायरेक्ट इनपुट के लिए हम कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनडायरेक्ट इनपुट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें मोस्टली कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल होते हैं। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से डाटा या इंस्ट्रक्शन लेती हैं और उसको कंप्यूटर की समझ आने वाली जबान में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देती हैं। इनपुट डिवाइसेस की तीन किस्में होती हैं, नंबर एक कीबोर्ड, नंबर दो पॉइंटिंग डिवाइस और नंबर तीन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कीबोर्ड डाटा इनपुट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। कीबोर्ड पे मौजूद बटन को हम कीज कहते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे 100 से ज़्यादा कीज होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को नॉर्मली हम क्यूआरटी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि उसके जो टॉपर अल्फाबेटिक कीज की जो लाइन होती है वो QWERTY होती है, इसके लिए इसको क्यूआरटी कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड नुमेरिक कीज, अल्फाबेटिक कीज, फंक्शन कीज और कुछ स्पेशल कीज पर मुश्तमिल होता है। कीबोर्ड के मेन पार्ट्स जो हैं, नंबर एक फंक्शन कीज, नंबर दो न्यूमेरिक कीज, नंबर तीन मेन कीबोर्ड और नंबर चार एडिशनल कीज, ये इसके मेन हिस्से हैं। नंबर एक फंक्शनल कीज। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं, जो कि मुख्तलिफ खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फंक्शन कीज के जो फंक्शन होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है जो हम सॉफ्टवेयर में वो कीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। न्यूमेरिक कीज कंप्यूटर कीबोर्ड के राइट साइड पे होती हैं। उसके बेसिकली दो मकसद होते हैं। अगर नाम लॉक ऑन है तो न्यूमेरिक डाटा और मैथ के सिंबल्स इंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर नाम लॉक ऑफ है तो हम उन कीज़ को कर्सर की मूवमेंट के लिए और कुछ खास मकासद के लिए, फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर नाम लॉक ऑन है तो उसकी स्टेटस लाइट ऑन होगी। मेन कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, वो एक आम एक टाइपराइटर पे जो कीज़ होती हैं, कीपैड पे, उससे मिलती जुलती हुई उससे सेम होती हैं। इसके अलावा चंद स्पेशल पर्पज़ कीज़ भी होती हैं। स्पेशल पर्पज़ कीज मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेन कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उनकी डिटेल ये है। न्यूमेरिक कीज न्यूमेरिक डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्फाबेटिक कीज अल्फाबेटिक डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एस्केप की मौजूदा कमांड जो हम कमांड देते हैं, या मौजूदा कोई टास्क जो हमने उसको दिया हुआ कंप्यूटर को, उसको टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टैब की यूज़ होती है कर्सर को नेक्स्ट टैब पे लाने के लिए। अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एक डिजिट स्पेस
दे देता है कीबोर्ड। अगर हम टैब यूज़ करेंगे प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर में तो 5 स्पेस के बराबर कर्सर आगे चला जाएगा। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। अगर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो जो करेक्टर लिखे जाएंगे वो अपर केस में लिखे जाएंगे। अगर कैप्स लॉक को बगैर प्रेस किए हुए हम डाटा एंटर करेंगे तो लोअर केस में डाटा लिखा जाएगा। कैप्स लॉक के प्रेस करने से या ना करने से नंबर्स और सिंबल पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो जो उसकी स्टेटस लाइट है वो ऑन होगी मेन्यू की। अब जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसी तरह अगर आप मेन्यू की प्रेस करेंगे तो सेम वही मेन्यू ओपन हो जाएगा जो हम माउस के राइट क्लिक करने से ओपन करते हैं। शिफ्ट की दूसरी कीज के साथ कम्बिनेशन बना के प्रेस की जाती है। इससे मुख्तलिफ किस्म की शार्ट कीज बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर इसको प्रेस करके कोई अल्फाबेटिक कोई की इंटर प्रेस करेंगे तो उसको अपर केसेस में लिखा जाएगा। कंट्रोल की भी दूसरी कीज के साथ मिलके शार्ट कीज या कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्ट की भी दूसरी कीज के साथ मिलके कमांड एग्जीक्यूट करने के काम आती है। बैकस्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड से डाटा डिलीट करने के लिए बैकस्पेस की यूज करते हैं। ये एक बार प्रेस करने से एक डिजिट डिलीट करती है। हाँ, अगर पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके बैकस्पेस दबाएंगे या कोई भी की दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। एंटर की कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर पैर के एंड पे इस्तेमाल की जाती है ताकि कर्सर दूसरी लाइन के शुरू में चला जाए। स्पेस की इसका मेन मकसद एक स्पेस डालना होता है कि अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हर वर्ड के दरमियान हम एक स्पेस डालते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेस यूज करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर विंडो लोगो बना हुआ होता है और ये ऑल्ट और कंट्रोल की के दरमियान होती है। इसके अलावा सम एडिशनल कीज होती हैं जिसमें एरोज की होती हैं जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आती हैं। डिलीट की होती है जो कर्सर के राइट साइड पे डाटा को या करेक्टर को डिलीट करने के काम आती है। अगर बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे डाटा डिलीट होगा। अगर डिलीट की यूज करेंगे तो कर्सर के राइट साइड पे करेक्टर डिलीट होंगे या उस राइट साइड पे डिलीट होगा। इसके अलावा डिलीट से हम सिलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट और फोल्डर और फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। होम की से हम कर्सर को लाइन के शुरू में ले जा सकते हैं या अगर हम कोई ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं तो जब हम होम प्रेस की प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के शुरू में कर्सर चला जाएगा। एंड की लाइन के एंड पे कर्सर को ले जाने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के किसी पेज के या स्क्रीन के एंड पे कर्सर को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप एंड पेज डाउन कीज ये दोनों कीज कर्सर को स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हम पेज अप करेंगे तो एक पेज ऊपर चला जाएगा कर्सर, अगर हम पेज डाउन करेंगे तो एक पेज कर्सर नीचे चला जाएगा। स्क्रोलिंग डिस्टेंस मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। प्रिंट स्क्रीन अगर हम अपनी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो हम प्रिंट स्क्रीन की को यूज़ करते हैं। स्क्रोल लॉक की कर्सर की मूवमेंट को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर स्क्रोल लॉक की ऑफ होगी तो कर्सर नॉर्मली मूव करेगा। स्क्रोल लॉक की हर प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं हो सकती, हर प्रोग्राम में काम नहीं करते। अगर स्क्रोल लॉक की प्रेस की हुई होगी तो उसकी स्टेटस लाइट ऑन होगी। और पॉज और ब्रेक की इस्तेमाल होती है जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो स्क्रीन पर तो उसको पढ़ने के लिए हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि तसल्ली से आसानी से उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें।
तो आज की वीडियो में हमने इनडायरेक्ट इनपुट कीबोर्ड, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, जिसमें फंक्शन कीज, अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज और एडिशनल कीज के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।